नमस्कार मिशन जीनियस माइंड से संजीव मलिक। दोस्तों हमारा ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो मैंने मैसेज डाला था, पीछे एक वीडियो डाला था कि अगर आपकी आंख सुबह 3 से 5 के बीच में खुल जाती है तो कोई दिव्य शक्ति आपसे कनेक्ट होना चाहती है। तो उस वीडियो को बहुत सारे व्यूज़ हैं, लगभग उसके 32 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं और मुझे बहुत खुशी है। मैं सभी तहे दिल से अपने व्यूअर्स का शुक्राना करना चाहता हूँ उसके लिए, आप लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया उस वीडियो को। कुछ लोगों के कमेंट थे नीचे कि हम तो रोज ऐसे उठते हैं सुबह 3 से 5 के बीच में, मेरी भी नींद खुल जाती है, लेकिन मुझे तो किसी दिव्य शक्ति से कनेक्ट नहीं होता, मुझे तो कोई एंजल्स कोई फरिश्ता मुझे तो कोई मिलने नहीं आता, मुझे तो ऐसी पावर मुझे नहीं मिलती। जरा ऐसे लोगों को मैं थोड़ा कुछ समझाना चाहता हूँ। दोस्तों सबसे पहले इस बात को समझें, फरिश्ते क्या होते हैं, एंजल्स क्या होते हैं, दिव्य शक्तियाँ क्या होती हैं। जब भी मैं शब्द बोलता हूँ फरिश्ता, मतलब क्या आपके मन में क्या आता है? कोई जो आपको कुछ दे सकता है, कोई दिव्य शक्ति, कोई दिव्य ऊर्जा जो आपको कुछ दे सकती है। ये बात बिल्कुल क्लियरली समझ लीजिए, देने वाला माने फरिश्ता। अब ऐसे ही अगर मैं कुछ उल्टा शब्द इस्तेमाल करूं कि जैसे भूत प्रेत नेगेटिव शक्तियां, तो क्या होता है? वो आपको डराने का भाव पैदा होता है या नेगेटिव फीलिंग आती है जो आपसे कुछ छीन सकते हैं, जो आपके पास है वो छीन सकते हैं या आपको वो दुखी कर सकते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं। तो इसका मतलब बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए, आपके मन में ये जो दिव्य शक्तियां हैं ये इंतजार करती हैं, क्या आपकी फ्रीक्वेंसी इनके साथ मैच करती है? इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि ये जो संसार है, जो ब्रह्मांड है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर चल रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या है? आप जिस फ्रीक्वेंसी पर आप वाइब्रेट कर रहे हैं वैसी ही फ्रीक्वेंसी की ऊर्जा के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप पॉजिटिव एनर्जी से वाइब्रेट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव एनर्जी ही आपके संपर्क में आएंगी, और अगर आप खुद नेगेटिव इमोशन में जी रहे हैं तो नेगेटिव एनर्जी से आपका कनेक्शन बनेगा। तो इसको समझिए, क्या आप पॉजिटिव वाइब्रेशन में जी रहे हैं, क्या आपके अंदर देने का भाव है, तो आप भी एक फरिश्ते से कम नहीं है। क्या आप मानते हैं कि आप फरिश्ते हैं, हाँ या ना, नीचे कमेंट में लिखकर बताइएगा। मेरा मानना है कि हम फरिश्ते हैं, हम सभी फरिश्ते हैं। विवेकानंद की बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेटमेंट मुझे याद आती है, वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स हैविंग डिवाइन एक्सपीरियंस, रादर वी आर डिवाइन बीइंग्स हैविंग ह्यूमन एक्सपीरियंस। हम फरिश्ते ही इस धरती पर आए हैं संसार का अनुभव करने के लिए, यहां पर कुछ सीखने के लिए, अपना रोल प्ले करने के लिए। तो रोल प्ले करना है, पर यह समझना है कि आप देने आए हैं यहां पर, लेने नहीं आए। जिसके मन में यह बात समझ आ गई कि मैं देने आया हूं, वो फरिश्ता है। और अगर आप फरिश्ते हैं और आप देने का भाव रखते हैं तो फरिश्ते आपके साथ कनेक्ट होंगे, डेफिनेटली होंगे। आप प्रार्थना कर सकते हैं, फिर आप एलिजिबल हैं उनसे कनेक्ट करने के लिए। तो आप प्रार्थना करें कि आप उस यूनिवर्सल ऊर्जा से प्रार्थना करें। आपको किसी का नाम पता होना जरूरी नहीं है कि कौन से फरिश्ते, मतलब उनके लिए क्या प्रार्थना करें, कौन से फरिश्ते से हम कनेक्ट हों, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप सिर्फ प्रार्थना करना सीखें, क्योंकि ये फरिश्ते जो हैं ये प्रार्थना के बिना नहीं आते। आपको प्रे करना सीखना है, आपको झुकना सीखना है, या प्रैक्टिकली लोगों की मदद करनी सीखनी है। जब आप मदद करना शुरू कर देते हैं तो ये अपने आप में एक प्रेयर है, अपने आप में मदद करना एक सबसे बड़ी प्रेयर है। जब आप मदद करना शुरू कर देते हैं तो आप प्रे कर रहे हैं। तो जब आप ऐसा करते हैं तो ये डिवाइन पावर्स आपसे कनेक्ट होती हैं, डेफिनेटली कनेक्ट होती हैं। लोगों की मदद कीजिए, जरूरतमंदों का सहारा बनिए। किसी को अगर गुड़ नहीं दे सकते तो गुड़ जैसी बात तो कर सकते हो। मेरे गुरुदेव इस प्रकार से फरमाया करते थे, तो मुझे बहुत प्यारी बात लगती है। किसी को गुड़ नहीं दे सकते तो गुड़ जैसी बात तो कर सकते हो, मीठी बात तो बोल सकते हो, जो उसको ऊपर उठाए, जो उसकी चेतना का विकास करे, बोलिए, देने का भाव रखिए। दोस्तों दीजिए लोगों को, बांटिए प्यार, बांटिए मोटिवेशन, बांटिए, दीजिए, उठाइए लोगों को। किसी बेसहारे को आप अगर हाथ उठाकर उसे उठा देते हैं तो यकीन मानिएगा आपके फरिश्ते आपके भीतर से प्रकट होने शुरू हो जाएंगे। आपकी मदद के लिए हजारों फरिश्ते तैयार होंगे कि इस पर्सन ने स्टार्ट किया है, इनिशिएट किया है, इसको सहायता करो, इसकी सहायता करो। दिव्य शक्तियां अपने आप आपका साथ देना शुरू कर देंगे, आपको कहना भी नहीं पड़ेगा। फिर भी अगर आप प्रार्थना में विश्वास रखते हैं तो प्रार्थना भी कर सकते हैं, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे खुदा, मैं लोगों की मदद करना चाहता हूं, मुझे ऐसी ब्लेसिंग्स दें कि मैं लोगों की मदद कर सकूं। याद रखिए, अपनी चीजों को बाद में मांगिएगा, अपने आप आपकी फुलफिलमेंट कर दी जाएगी। लेकिन मानिए, हम हमेशा अपने लिए मांगते हैं तो मुश्किल में पड़े रहते हैं। पहला काम लोगों के लिए मांगिए, लोगों को देने का भाव रखिए, आपकी फुलफिलमेंट पहले होगी। कोई भी एनर्जी अगर ऊपर से आएगी ना, वो आपके थ्रू ही होकर जाएगी। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, पहले आपको प्योरीफाई करेगी तो अपने लिए मांगना नहीं पड़ता, आपकी झोली वैसे ही भर दी जाती है। आप देने का भाव रखिए, दीजिए, खूब बांटिए, प्यार बांटिए लोगों को, उत्साह बांटिए लोगों को, मोटिवेट कीजिए लोगों को, ऊंचा उठाइए लोगों को। जब आप ऐसा करेंगे तो फरिश्ते हमेशा आपके साथ रहेंगे और आप देखेंगे ऐसी डिवाइन पावर वेट कर रही होती हैं कि कौन आगे बढ़ता है। और जैसे ही आप करना शुरू करते हैं, आपके अनजान तरीकों से आप तक सहायता पहुंचने लगती है। वो लोग जिनके साथ कभी आपने सोचा भी नहीं था, आपका कनेक्शन बनने लगता है, लोग आपके जीवन में आने लगते हैं और आप एक ऐसा मार्ग खुलता चला जाता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। बस यही डिवाइन हेल्प है, यही वो दिव्य शक्तियां हैं जो आपके साथ आ चुकी हैं। इसके लिए मैंने आपको तरीका बता दिया,
वर्क कीजिए, मेहनत कीजिए और साथ में अगर प्रार्थना करें, प्रयास के साथ प्रार्थना करें, तो प्रार्थना और ज्यादा फ्रूटफुल होती है। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपकी बात को, मेरी बात को ज्यादा अच्छे से क्लियर कर पाएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।